हेलो, वेलकम बैक। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी, सुपर इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। और इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिलीज़ ले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी मैंने नहीं रखा है। उसके ऊपर जो स्टेम है वो भी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि उसकी वजह से अचार ख़राब जल्दी हो जाता है, तो वो सारे हमें निकाल लेने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो चिलीज़ थे उन्हें काट कर लिया है। यहाँ पे आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कट कर सकते हो। मैंने ऐसे कट किया है ताकि जो हम लोग मसाला बनाने वाले वो अच्छे से अंदर तक इसे जाए और अच्छे से वो बन के रेडी हो जाए। सीजर से भी आप कट कर सकते हो, वो बहुत ही इजी कटिंग हो जाती है ये चिलीज़ की। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे चिलीज़ जो है काट के रेडी कर लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, बाद मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसे गर्म कर लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब सौंफ ऐड कर दिए है और 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है। उसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून मैंने मेथी के दाने ऐड किए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे राई यूज़ की है। और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्के से रोस्ट कर लेना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद उसे अच्छे से चलाते जाना है क्योंकि पैन जो है वो अभी भी गर्म है। उसके बाद उसे हमें ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे मैंने वही पैन ले लिया है और 1 कप सरसों का तेल ले लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में अचार बहुत ही टेस्टी से बन के रेडी होता है। हम उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि उसका जो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल है वो निकल जाए और हमारा जो अचार है वो ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो। इसके लिए उसे अच्छे से गर्म कर लेना है, गैस बंद करके उसे ठंडा कर लेना। हम लोगों ने जो मसाले रोस्ट करके रखे थे उन्हें हमें ठंडा करके, अभी मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लिया है, उसमें हमें अच्छे से उसे ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से पाउडर उसका हमें यहाँ पे बना लेना है। इसे अच्छे से ठंडा करके पाउडर बनाना है ताकि ये अच्छे से पिस जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये पिस गया है। अभी जो हम लोगों ने चिलीज़ काट के रखी थी वो ले लेना है। उसमें 2 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर देना है। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो रोस्ट करके रखा था मसाला वो भी ऐड कर देना है। और हमारा तेल भी अभी थोड़ा गुनगुना हो चुका है। उसमें मैंने आधा चम्मच जो है हींग ऐड कर दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा अचार में। और आधा टेबल स्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड कर दी है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और तेल को मैंने अच्छे से यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने जो तेल बना के रखा था वो मिर्ची में ऐड कर देना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है ताकि जो मसाला है तेल है वो अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, बहुत ही क्विक ऐसी ये रेसिपी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी से बनती है और इसे बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेम्पटिंग ऐसी लग रही है। उसके बाद हम और एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे, धनिया
ताकि हमारे जो अचार है वो ख़राब ना हो, ज़्यादा दिन तक टिके रहे। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और दिखने में भी ये सुपर टेस्टी से लग रहा है। अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून के करीब विनेगर ऐड किया है, जो सिरका आता है वही मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो आप नींबू का रस भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आप 4 नींबू का रस निकाल के उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी अचार की और जल्दी से ख़राब नहीं होगा। ये देखिए बहुत ही क्विक और बहुत ही सुपर इजी सी रेसिपी है। अब इसे हमें कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है अच्छे से ठंडे होने के बाद। कांच के जार में वो ज़्यादा दिन तक टिका हुआ रहता है, प्लास्टिक के जार में उसका जो है जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया है और खाने के लिए टेस्टी ऐसा अचार जो है मिर्ची का रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी रेसिपी के साथ मिलते हैं, टिल देन बाय।